हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब की तरफ से दिए जाने वाले अवार्ड्स के बारे में। कितने ज्यादा सब्सक्राइबर होने पर कौन सा अवार्ड दिया जाता है क्रिएटर को। और आप सभी ऑडियंस से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइज, आप सभी ने तो यूट्यूबर को देखा होगा जिनके पास सिल्वर, गोल्ड और डायमंड प्ले बटन होगा। इन यूट्यूबर को ये प्ले बटन क्यों दिया जाता है, उन्होंने ऐसा क्या किया है जो यूट्यूब उन्हें इतने सारे अवार्ड देते हैं। सो यूट्यूब जस्ट लाइक अ कंपनी। हाँ दोस्तों, YouTube एक कंपनी है और कंपनी के जैसा YouTube भी चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। क्या आपने कभी सोचा है YouTube पैसा कैसे कमाता है? देखो, YouTube ना तो वीडियो बनाता है ना खुद से वीडियो को अपलोड करता है, तो फिर YouTube इतना सारा पैसा कैसे कमाता है, वो भी लाखों करोड़ों में। गाइस, YouTube खुद से वीडियो नहीं बनाता है। YouTube पर बहुत सारे क्रिएटर होते हैं मेरे और आपके जैसे। हम सारे क्रिएटर YouTube पर वीडियो बना के अपलोड करते हैं और YouTube उन पर एड्स चलाता है। बेसिकली YouTube पैसा तभी कमा पाएगा जब हम जैसे क्रिएटर YouTube पे वीडियो अपलोड करेंगे और YouTube उन सारी वीडियो पर एड्स दिखाकर उससे पैसा कमाता है। जिनका YouTube चैनल मोनेटाइज है उन क्रिएटर को एड्स का हाफ पैसा मिलता है और आधा पैसा YouTube रख लेता है। लेकिन जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं है, YouTube उन पर एड्स चलाकर पूरा पैसा खुद रख लेता है, जिससे YouTube की मोटी कमाई होती है। YouTube अपने क्रिएटर को मोटिवेट रखने के लिए YouTube उन सभी को अवार्ड्स देता है, सिल्वर प्ले बटन देता है, गोल्डन प्ले बटन देता है। तो आप बात करते हैं YouTube अपने क्रिएटर को कितने टाइप्स का अवार्ड्स देता है। सिल्वर प्ले बटन उन क्रिएटर को दिया जाता है या फिर उनको मिलता है जिनका 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो अपने YouTube चैनल पर। और इंडिया में काफी सारे क्रिएटर को सिल्वर प्ले बटन मिल चुका है। नंबर दो पे आता है गोल्डन प्ले बटन। जब किसी चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं या फिर 10 लाख सब्सक्राइबर, उन क्रिएटर को गोल्डन प्ले बटन दिया जाता है। और इसके भी इंडिया में आपको बहुत सारे क्रिएटर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं नंबर थ्री की। नंबर थ्री पे आता है डायमंड प्ले बटन। जब किसी का चैनल 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए तो उस चैनल को YouTube द्वारा दिए जाने वाले डायमंड प्ले बटन मिलता है। इंडिया में 10 मिलियन वाले चैनल बहुत ही कम है, जिन्हें आप बहुत ही आसानी से गिन सकते हैं। नंबर फोर पे आता है कस्टम क्रिएटर अवार्ड्स। ये अवार्ड्स उन चैनल को दिया जाता है जिनका चैनल 50 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया हो, यानी कि 5 करोड़ सब्सक्राइबर होते हैं। बहुत सारे क्रिएटर इस अवार्ड को रूबी अवार्ड भी बोलते हैं। दरअसल इसके पीछे एक कहानी है। ये सबसे पहले प्यूडीपाई को मिला था 28 दिसंबर 2016 को। तो प्यूडीपाई ने इसका निक नेम रख दिया था रूबी क्रिएटर अवार्ड, क्योंकि उसे जो कस्टम क्रिएटर अवार्ड मिला था वो एक रूबी कलर में था और वो अवार्ड उसके चैनल के बेस पर बनाया गया था। फिलहाल जो कस्टम क्रिएटर अवार्ड है या रूबी क्रिएटर्स अवार्ड्स पहले, ये अभी तक पूरी दुनिया में सिर्फ 22 है और ये अभी तक 22 ही चैनल को मिला है। तो नंबर 5 पे आता है रेड डायमंड प्ले बटन। और ये अवार्ड उन चैनल को दिया जाता है जिसका 100 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो, यानी कि 10 करोड़ सब्सक्राइबर। अभी तक पूरी दुनिया में 4 ही ऐसे चैनल है जिनको ये अवार्ड मिल चुका है, जिसमें तो 2 हमारे इंडिया का ही है। नंबर 1 पे आता है टी सीरीज विथ 178 मिलियन सब्सक्राइबर। नंबर 2 पे आता है प्यूडीपाई 109 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ। और नंबर 3 पे आता है कोकोमेलन 108 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ। नंबर 4 पे आता है सेट इंडिया, इसने हाल ही फिलहाल में 100 मिलियन सब्सक्राइबर किया है। और सबसे मेन जो है इन सभी से ज्यादा सब्सक्राइबर मिस्टर बीस्ट। जी हाँ गाइस, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर मिस्टर बीस्ट का है। ये डायमंड क्रिएटर दिखता कैसा है? ये ट्रायंगल शेप में आता है जिसके बीच में एक डार्क रेड क्रिस्टल होता है। और पूरी दुनिया में अभी तक का सिर्फ 4-5 ही ऐसे चैनल है जो पूरी दुनिया में अभी के टाइम पे मौजूद है। और अभी के टाइम पे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल होंगे जिस पर 100 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो गया। अगर मैं इस वाले वीडियो में कवर करूंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो ये था YouTube क्रिएटर अवार्ड्स जो YouTube अपने क्रिएटर को देता है, जिससे कि उनका मनोबल बना रहे और YouTube पे अपना वीडियो अपलोड करते रहे, जिससे YouTube भी पैसा कमाते रहे और क्रिएटर भी। इसे पाने के लिए बहुत साल लगे। 3 साल।